शाम के 4 बजे चार चहे थे दोस्त चाय की टपरी पर अपने 4 बच्चों के लिए करियर की तलाश कर रहे थे। वे बातचीत कर रहे थे आपस में कि कौन सा कॉलेज उनके बच्चों के लिए बेहतर होगा। काउंसलर जीवन में मैंने लगभग 5 साल बिता दिए। 5 साल में जो शुरुआती दिनों में काउंसलिंग के दौरान जो गलती मैं कर रहा था वो ये थी कि सामने बैठे हुए बच्चे से ये पूछता था कि तुमको क्या लगता है कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ये सवाल मैं पेरेंट्स से ही पूछा करता था और मुझे आंसर्स पता भी होते थे कि किस तरह के आंसर्स आएंगे, और फिर भी ये सवाल उनसे पूछना, क्योंकि उस उम्र में ये सवाल पूछना कि कौन सा कॉलेज तुम्हारे लिए बेहतर होगा शायद गलत था। मे बी वो बहुत सारे आंसर्स देगा बट जरूरी नहीं है कि वो आंसर सही मायने में उसके लिए सही बैठेंगे। फिर कौन सा कॉलेज एक छात्र के लिए, एक स्टूडेंट के लिए अच्छा होता है जिसमें वो जाकर के पढ़ाई करे। एक हाई स्कूल में 12वीं की परीक्षा के बाद सारे ही बच्चों को गेट टुगेदर के लिए बुलाया जाता है, हॉल तैयार किया जाता है, स्टेज पर एक एक बच्चा जा करके अपने बारे में बताता है, अपने रिजल्ट्स बताता है, और प्रोग्राम के अंत में स्टेज पे खड़ा हुआ टीचर बच्चों के पास माइक देता है और बोलता है कि सभी लोग अपना नाम बताएंगे, आगे क्या करने वाले हैं, कौन से कॉलेज में करने वाले हैं वो बताएंगे। माइक पास होना शुरू हो जाता है। पहले लड़के के पास गया, उसने अपना नाम बताया, अपने परसेंटेज बताए और बताया कि अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूंगा। दूसरे ने बोला अब मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करूंगा। एक ने बताया कि मैं कलकत्ता में जाऊंगा पढ़ाई करने के लिए। और हर बार जब कोई ऐसे बताता तो लोग तालियां बजाते। नॉर्मल रूटीन चल रहा था, लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करने वाली थी, तालियों की गड़गड़ाहट और उसकी तेजी इस बात पे डिपेंड करती थी कि कॉलेज कितना रेप्यूटेड। जितना बड़ा कॉलेज का नाम बोला जाएगा तालियां उतनी ही जोर से बजाई जाती थी, माहौल बना हुआ था। लेकिन मेरा ध्यान उन लोगों पर भी जाता है जो उसी हॉल में बैठे हुए हैं, शायद जिन्होंने 1 साल रट के एंट्रेंस की तैयारी की होगी और इतनी मेहनत के बावजूद वो किस्मत के भरोसे बैठे होंगे कि देखते हैं कौन सा कॉलेज अलॉट किया जाएगा, या फिर वो लोग भी जिन्होंने अभी अपने बारे में सोचा भी नहीं है कि मेरे को कौन से कॉलेज में जाना है, या फिर वो लोग जो किसी कारणवश, चाहे फैमिली प्रॉब्लम्स हो या पैसे की दिक्कत हो, शायद इतने बड़े बड़े कॉलेजेस में नहीं जा पाते। सवाल फिर ये उठता है कि क्या रेप्यूटेशन के हिसाब से कॉलेज को चूज करना सही होता है? फैसला आपके ऊपर छोड़ा जाएगा, लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोगों की कहानियां मैंने सुनी हैं उनमें से ज़्यादातर लोग एक गिरी हुई अवस्था से उठ करके आते हैं। सवाल फिर से है, क्या रेप्यूटेड कॉलेज में ही पढ़ाई करना ज़रूरी है, या फिर और भी तरीके हो सकते हैं कॉलेज चूज करने के? जैसे कि मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे आपके, 20, 50, 100, 200? मैं अलग अलग स्ट्रेंथ बताता हूँ। जब मैं 20 बताता हूँ तो कुछ खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारे बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलेगा, कुछ नाराज़ हो जाते हैं, मज़ा नहीं आएगा, भीड़ हो, सब साथ में पढ़ें, खेले कूदे, एक्टिविटीज़ हों तो मज़ा आएगा, दोनों ही सही हैं। लेकिन मैंने स्कूल में अपने 100 लोगों के बीच में रहकर भी पढ़ाई की है। उसके बाद भी मेरे कुछ क्लासमेट्स ट्यूशन लगाने जाते थे, कारण मुझे समझ में नहीं आया, क्या स्कूल उतने काबिल नहीं थे कि आपको पढ़ा सकें, या फिर आप मज़ा ज़्यादा करते थे, या फिर पेरेंट्स चाहते थे कि और अच्छे से पढ़ाई हो सके। कारण जो भी रहा हो, डिपेंड करता है कि क्या आप पर्सनल अटेंशन वाले लोग हैं या फिर आप भीड़ भाड़ में घुलना मिलना चाहते हैं। एक और क्राइटेरिया बताया जाता है, बोलते हैं रैंकिंग देखो कॉलेज की, बिल्कुल देखो, लेकिन रैंकिंग देखने के साथ साथ पता करो कि रैंक देने का क्राइटेरिया क्या होता है। एक अच्छा कॉलेज किसी से अगर एफिलिएटेड है, जुड़ा हुआ है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसको अच्छी रैंक क्यों मिल रही है? हो सकता है कुछ लोग बोले कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। मैं बोलता हूं कि किस कॉलेज की तरफ से किस कंपनी में प्लेसमेंट हुआ है और प्लेसमेंट होने के बाद वो बच्चा कितने महीने, कितने साल, कितने दिन उसी कंपनी में काम कर रहा है, ये भी शायद ट्रैक रिकॉर्ड में आना चाहिए। अक्सर बच्चे पूछा करते हैं, भाई ये कॉलेज कैसा है, इस कॉलेज की क्या खासियत है? क्या ये सवाल को बदला जा सकता है? क्या हम ये पूछना चालू करें कि भाई मैं कॉलेज में पढ़ाई करने की सोच रहा हूँ, इस कॉलेज की कुछ बुरी बातें बता सकते हो? शायद जो सबसे कम बुरा होगा आपका ध्यान उसकी तरफ जाए।
क्योंकि सबसे कम बुरा कॉलेज वही होगा जिसमें सबसे अच्छी बातें होंगी। लेकिन ये अच्छा कॉलेज बुरा कॉलेज ये टर्मिनोलॉजी सिर्फ इसलिए इस्तेमाल की जा रही है बिकॉज ये मार्केट में ट्रेंडिंग है। वैसे एक बच्चा तय करता है कि कॉलेज कितना ऊपर जाएगा, एक बच्चा तय करता है कि कॉलेज में कितने एक्टिविटीज सक्सेसफुली कंप्लीट होंगे, एक बच्चा तय करता है कि कॉलेज का मार्किंग, कॉलेज की अटेंडेंस कितनी ऊपर रहेगी। सवाल बदल के भी देखना चाहिए। इस बात में कोई शक नहीं है कि आजकल एजुकेशन पैसों से जुड़ा हुआ है, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि एजुकेशन पॉलिसीज, एजुकेशनल लोन, गवर्नमेंट सपोर्ट भी काफी ज्यादा आया है। लेकिन एक काउंसलर की हैसियत से अगर आपको बताऊं तो खुद को लोन और इस फाइनेंस के झंझट में ज्यादा देर तक डुबा के मत रखो। समटाइम्स वी नीड टू लर्न टू कॉम्प्रोमाइज। हमेशा कहा जाता है कि आप सबको खुश नहीं रख सकते, तो आप सारी चीजें हासिल नहीं कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि कोई चीज आपकी पहुंच से बाहर है तो हम इतने जिद्दी बन जाएं कि वो हमें लेकर ही चले। वी नीड टू कॉम्प्रोमाइज इन एवरी एस्पेक्ट, नॉट वंस, मे बी ट्वाइस, मे बी थ्राइस, मे बी लाइफ टाइम। ये भी जरूरी होता है कि आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लें। हाँ, एक अच्छे कॉलेज की तलाश में आप देखते हो कि वहाँ के टीचर कैसे होंगे, वहाँ पे एक्टिविटीज़ कितनी होंगी, वहाँ का प्लेसमेंट कैसा होगा, वहाँ का टाइमिंग कैसा होगा, वहाँ की फीस कितनी होगी, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये अच्छी चीज़ें हैं देखने वाली, बट इनकी प्रायोरिटी सेट कर लो। आप उस कॉलेज में अगर नॉलेज के लिए जा रहे हो तो येस, डेफिनेटली टीचर्स, फैकल्टीज एंड लेक्चर टाइमिंग शुड बी योर प्रायोरिटीज़। अगर आप वहां पे कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जहां से आप एक नई ऊंचाई को तलाशना चाहते हो, यस, यू मस्ट लुक फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज, यू मस्ट लुक फॉर द कॉलेज दैट प्रोवाइड 360 डिग्री होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम। 360 डिग्री डेवलपमेंट मतलब आपको हर तरह से तैयार होना पड़ेगा, फ्रॉम योर कम्युनिकेशन टू योर लीडरशिप टू टीम वर्क टू योर कैरेक्टर डेवलपमेंट, एवरीथिंग। आगे जाकर के आपको इन्हीं बेस पे जज किया जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉलेज जाने के पीछे का पर्पस भी क्लियर होना चाहिए। क्या आप वहाँ पे नॉलेज के लिए जा रहे हो, या फिर आप उसके बाद और हायर एजुकेशन करना चाहते हो, या फिर अपने कॉलेज लाइफ के बाद आप डिग्री लेना चाहते हो, या फिर आप उसके बाद जॉब की तलाश कर रहे हो, और फर्स्ट ईयर से लेकर के आखिरी ईयर तक कॉलेज ज्वाइन करने के मकसद को अगर आप याद रखो तो शायद जो भी कॉलेज आप चूज करोगे वो आपको अच्छा ही लगेगा। इट वुड बी द बेस्ट डिसीजन दैट यू हैव एवर टेकन। थिंक अबाउट ऑल दोज पॉइंट्स, शायद आपको एक अच्छा कॉलेज तलाशने में मदद मिल जाए। और अगर ये मददगार साबित हो तो याद रखो, मेरा नाम अमृतांश तिवारी है।